नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। जी हां दोस्तों, इस पत्ती को एक गिलास गर्म पानी के साथ लेने से 20 रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं, हाथों हाथ आपको असर भी दिखने लगेगा। गुडमार्क की सबसे सामान्य जानकारी आइए सबसे पहले जानते हैं। गुडमार्क की लता पूरे भारतवर्ष में 600 मीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका पत्ता सरल, विपरीत, अंडाकार या लटवाकार भलाकार होता है। पर्न ब्रीन 6 से 12 मिलीमीटर और रोमिल होते हैं। पटल 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक लंबा और 1 से 3 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। पत्ते की गंध अप्रिय, स्वाद कड़वा और तीखा होता है। गुड़मार की पत्तियों को आप सीधा खा भी सकते हैं या इसकी पत्तियों को एक गिलास पानी में काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड़मार या एक बहुत उपयोगी जड़ी बूटी है। आयुर्वेदिक में इसकी पत्तियों और जड़ी बूटियों को औषधीय रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, यह जड़ी बूटी गुड़ तथा अर्थात मीठेपन को नष्ट करते हैं। इसका सेवन मधुमेह में बढ़ी हुई रक्त शर्करा को कम करता है। यह मधुमेह जैसे डायबिटीज भी कहा जाता है, इसके उपचार में भी प्रभावी है। गुड़मार के पत्ते स्वभाव में कुछ नमकीन कड़वे होते हैं तथा इन्हें चबाने से जीभ का स्वाद कुछ समय के लिए नष्ट हो जाती है। इसी कारण से इसे मधुनाशिनी भी कहा जाता है। यह जड़ी बूटी बहुत सी एंटी डायबिटीज दवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जी हां दोस्तों, यदि आप इसका सेवन करते हैं इसके पाउडर का, तो आपकी शुगर नियंत्रित रहती है। गुड़मार्ग प्लाज्मा, रक्त प्रजा और प्रजनन अंगों पर कार्य करता है। यह मूत्रल और भूख बढ़ाने वाला है। इसके पत्तों एवं जड़ों के चूर्ण और काढ़े को अकेले ही या अन्य ही जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग किया जाता है। चरक संग्रहिता के अनुसार यह बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका पौधा कड़वा, कसीला, उष्ण और सूजन दूर करने वाला, पित्तनाशक, पाचक, यकृत टोनिक, मूत्रवर्धक, उत्तेजक, कृमिनाशक, विरेचक, ज्वरनाशक और गर्भाशय टोनिक होता है। गुड़मार्ग छोटा, रूखा तथा स्वाद में कड़वा, पौष्टिक और गर्म प्रकृति का होता है। यह कफवात को नष्ट करने, हृदय टाइफाइड को ठीक करने वाला, विष को दूर करने वाला, पथरी, हृदय रोग, बवासीर, जलन, पीलिया और आँखों के रोगों को ठीक करने वाला होता है। इसे अधिक मात्रा में सेवन करने से जान उत्पन्न होती है। मधुमेह तथा डायबिटीज से पीड़ित रोगियों के लिए यह बहुत ज्यादा लाभकारी औषधि है। गुड़मार्ग पत्तों के संगठन यानी कि ABCD और ग्लूकोनिक एसिड, गलकट्रोनिक एसिड, फेरोलिक, एनर्जिलिक एसिड, जिमनेनाजगिन, जिमनेनिक एसिड, कोलीन, जिमनिन ए, अल्कलाइड, इनोसिटोल, डी क्वेरिसिटोल, हार्बोकाइड्रोज, रेजिन, टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटिक एसिड, एमिनो एसिड्स। चलिए दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं इसके पौधों के बारे में। यह डायबिटीज रोगी है। यह खून में ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, इंसुलिन को बढ़ावा देती है, यह इंसुलिन के बहाव को बढ़ाती है, पैनक्रियास की सेल रीजनरेशन कराती है, यह शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को सही करती है, आंत से शुगर के अवशोषण को रोकती है, यह मोटापा दूर करने वाली एंटी बेसिटिक हर्ब है, यह बुखार को कम एंटीबायोटिक है, यह कड़वी यानी की बीटर है, यह हृदय के लिए टॉनिक है, यह मूत्रल है, यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली और ट्राइग्लिसराइड को कम करने वाली होती है, यह विरेचक है, यह गर्भाशय के लिए एक टॉनिक का कार्य करती है, कफ, पित्त, सांस, आँखों में दर्द इत्यादि को दूर करती है, यह सूजन, अकृत, अपच, कब्ज, पीलिया, पाइल्स, कृमि, ब्रोंकाइटिस, विषम ज्वर, मासिक न आना, पथरी, त्वचा रोग और आँखों के रोग में प्रयोग की जाती है। गुड़मार्ग सेवन का तरीका भी आप जान लीजिए। गुड़मार्ग के पत्ते को पाइल्स, अस्थमा, हृदय के रोगों, कफ, कृमि, कुष्ठ, आँखों के रोग, घाव, दांतों के कीड़े और डायबिटीज के उपचार में प्रयोग किया जाता है। गुड़मार्ग पत्ती को लेने की औषधि की मात्रा 3 से 6 ग्राम सूखा पाउडर या 1 से 2 टेबलस्पून ताजी पत्तियों को काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। गुड़मार्ग की जड़ को अस्थमा, कफ, हृदय के रोग, त्वचा के रोग, विषाब के रोग और रक्त प्रवाह बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको लेने की औषधीय मात्रा 1 से 2 ग्राम तथा काढ़े को 30 से 50 मिलीमीटर की मात्रा में लिया जा सकता है। काढ़ा बनाने के लिए 50 से 30 ग्राम पाउडर को 200 मिलीमीटर पानी में उबाला जाता है। जब तक पानी चौथाई ना रह जाए इसे फिर छानकर पिया जाता है। यह बेहद ही कारगर औषधि के रूप में कार्य करती है। बस इसका नियमित रूप से सेवन करना अपना जारी रखिए। जी हां दोस्तों, कोई भी होममेड रेमेडी होती है वो असर दिखाने में थोड़ा सा समय जरूर लेती है, पर इसके समय के साथ साथ आपके असर भी बहुत अच्छे होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नई वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।